अल्कोहल के पहले लेक्चर में आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा है। अल्कोहल्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे ये हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था और हाइड्रोलिसिस हमने स्टार्ट किया था। हाइड्रोलिसिस में आप लोग रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद एक्वस NaOH और KOH पढ़ चुके हो। अब ये सेकेंड रिएक्शन है जिसमें आप पढ़ने वाले हो एल्कीन का हाइड्रोलिसिस। सो एल्कीन का हाइड्रोलिसिस डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों से हम करा सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डायरेक्ट मेथड। एल्कीन पर वाटर मॉलिक्यूल का डायरेक्ट एडिशन करेंगे मिनरल एसिड की प्रेजेंस में और उससे अल्कोहल बनेगा। जो वाटर मॉलिक्यूल का हम एडिशन करेंगे एल्कीन पर वो अकॉर्डिंग टू मॉर्कोनिक ऑफ रूल करेंगे। सो दिस विल फॉलो मॉर्कोनिक ऑफ रूल। अब समझते हैं मॉर्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है। मॉर्कोनिक ऑफ रूल में जो आपका रिएजेंट होगा, मान लो आपका ये कोई रिएजेंट है, ये रिएजेंट प्लस और माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। मॉर्कोनिक ऑफ रूल कहता है कि जो पॉजिटिव पार्ट है रिएजेंट का दैट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन वेयर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। जिस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर ज़्यादा हाइड्रोजन होगी उस पर रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट ऐड हो जाएगा। रिएक्शन देखेंगे तो समझ आएगा। मैं कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेती हूँ क्योंकि अगर हम सिमेट्रिकल का एग्जांपल लेंगे तो सिमेट्रिकल में आपको मॉर्कोनिक ऑफ रूल समझ नहीं आएगा। तो वाटर का एडिशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। H प्लस की प्रेजेंस करा रहे हैं, मिनरल एसिड हम कोई भी जैसे H2SO4 ले सकते हैं। तो फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4 अगर हम यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं तो मॉर्कोनिक ऑफ रूल इज फॉलोड। एंड जो ये पॉजिटिव पार्ट है ये प्लस में डिसोसिएट होगा और OH माइनस यहाँ से आपका बनने वाला है। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट होगा, पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर जाएगा जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। देखो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन। और यहाँ पर आपके पास में दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो H प्लस जो है ये जाएगा इस वाले कार्बन पर और OH माइनस दूसरे कार्बन पर ऐड हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर आपका OH आएगा और इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन जाएगा, तो ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अल्कोहल मिलता है। सो एल्कीन डायरेक्टली ऐड ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड एज ए कैटलिस्ट टू फॉर्म अल्कोहल, और ये रिएक्शन मॉर्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करेगा। चलिए अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्योंकि मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेप वन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप वन है इसका कि हम इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करेंगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर। अभी मैंने आपको बताया कि हम कोई मिनरल एसिड लेंगे तो H2O में ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। जब मिनरल एसिड से H प्लस मिलेगा तो ये हाइड्रोनियम आयन बन आएगा। और अब हम कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, ये हाइड्रोनियम आयन एल्कीन को अप्रोच करेगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां से H प्लस लेंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा। तो इस मैनर से इस वाले कार्बन पर डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ये आपका CH3 बनेगा। और चूंकि इस कार्बन के का इलेक्ट्रॉन
इस वाले दूसरे वाले कार्बन पर चला जाता है, जिसके कारण ये बीच वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस H2O। सो यहाँ से आपको एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिलता है। कार्बोकैटायन 3 डिग्री मिलेगा या 2 डिग्री मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि आपने स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल क्या लिया है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, अगर मैंने यहाँ पर ये लिया होता CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर मैंने इस पर हाइड्रोनियम आयन का एडिशन कराया होता, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे और इस केस में मेरे पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है। तो कार्बोकेटाइन 2 डिग्री बनेगा या 3 डिग्री बनेगा, ये डिपेंड करता है कि आपने सबस्ट्रेट क्या लिया है, किस पर आप अटैक करा रहे हैं, आपने एल्कीन का क्या एग्जांपल लिया है। मैं इसको क्लीन कर देती हूँ क्योंकि मैं आपको मैकेनिज्म बता रही हूँ, तो एक ही एग्जांपल लेकर हम मैकेनिज्म को कंप्लीट करेंगे। तो आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर एडिशन हो जाता है और 3 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। इन नेक्स्ट स्टेप एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल अकर। तो जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना है वो लेते हैं, उस पर वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन कराते हैं। और यहाँ से आपको एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल जाएगा। नाउ स्टेप 3, इन स्टेप 3 लॉस ऑफ प्रोटॉन विल अकर। तो हमने ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल लिया है, दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। बाय द लॉस ऑफ वन प्रोटॉन दिस मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। यहाँ से एक हाइड्रोजन H+ का लॉस होगा और ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर रिगेन होंगे। और अल्कोहल बन जाएगा। तो एक बार समराइज कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप में ये रिएक्शन हुआ है। हमने स्टार्टिंग में लिया था एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन, हाइड्रोनियम आयन का सबसे पहले अटैक कराया, यहाँ से ये H+ लेगा और ये एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन कराया और ये एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल बन जाता है। और यहाँ से एक प्रोटॉन के लॉस के बाद में ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल। नाउ वी विल डिस्कस इनडायरेक्ट मेथड। अब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे एल्कीन का बाय इनडायरेक्ट मेथड। तो एल्कीन की वेपर को पास करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, जिससे हमें एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा, जिसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्कोहल मिलेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमने प्रोपीन लिया है, उसकी जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्रोपीन की वेपर को जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से पास कराएंगे
तो H2SO4 का एडिशन अकॉर्डिंग टू मॉर्कोनी ऑफ रूल होगा, तो H प्लस यहाँ जाएगा क्योंकि यहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है और आपका SO4H यहाँ एड ऑन होने वाला है। तो यहाँ पर आ गया आपका HSO4 और यहाँ CH3, जिसको जब बॉइल्ड वाटर से ट्रीट करेंगे तो ये ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा। तो CH3, CH, OH, CH3, 2 डिग्री अल्कोहल आपको मिलेगा। शायद ऐसे होती होगी, यहाँ पर H2SO4 का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ होगा, तो सबसे पहले H प्लस का एडिशन दिखाएंगे। H प्लस का एडिशन कहाँ होने वाला है? जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो जहाँ दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहाँ H एड ऑन हो जाएगा। वो भी कैसे? ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे तो H प्लस फिर इस वाले कार्बन पर जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके बाद में HSO4- इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन और उसके बाद जब हम इस एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट का हाइड्रोलिसिस करते हैं बॉइल्ड वाटर के साथ, तो ये अल्कोहल बन जाएगा। चैप्टर में हमने तीन रिएक्शन पढ़ी है, एक बार समराइज कर लेते हैं। पहला हमने हाइड्रोलिसिस में पढ़ा था कि एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्वस NaOH या एक्वस KOH से हम करेंगे, तो एक्स के प्लेस पर OH आ जाएगा। एक्स के प्लेस पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो यहाँ पर OH आ जाएगा। दूसरी रिएक्शन में हमने एल्कीन का हाइड्रोलिसिस कराया है बाय डायरेक्ट मेथड में, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हमारे पास में है और जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हो तो एक प्लेस पर OH और दूसरे प्लेस पर H चला जाएगा। थर्ड रिएक्शन में आपने इनडायरेक्ट मेथड देखा है। इनडायरेक्ट मेथड में आपने एल्कीन की वेपर को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के सॉल्यूशन से पास कराया, जिससे एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बना अकॉर्डिंग टू मॉर्कोनी ऑफ रूल, और जब आपने इसको बॉइल्ड वाटर से ट्रीट किया तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो SO3H के प्लेस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। NCERT के क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उसका पार्ट 1 है। पहले क्वेश्चन दिया है कि राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये एक रिएक्शन दिया है, ये एक आपको रिएक्शन दिया है और इस रिएक्शन का उन्होंने प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर पूछा है। तो एक बार फिर से लिख लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। देखो इन्होंने डायरेक्ट स्ट्रक्चर पूछा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको बीच के स्टेप्स लिखना, बस आपको पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन कौन सी दे रखी है। तो ये डाइल्यूट H2SO4 या किसी भी एसिड की, मिनरल एसिड की प्रेजेंस में ये एल्कीन का हाइड्रोलिसिस शो किया है। आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन अकॉर्डिंग टू मॉर्कोनी ऑफ होगा, तो जो H और OH है वो ब्रेक डाउन होगा कैसे? H जाएगा मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पर और OH जाएगा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पर, तो इसका एडिशन अकॉर्डिंग टू मॉर्कोनी ऑफ रूल हो जाएगा। तो बहुत आसान है, CH3 CH पर OH आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये आपका बन गया प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल। देखो सोल्ड एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट दे रखा है, इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा है। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन दिया है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो
इस क्वेश्चन को भी आपको ये ऐसे ही करना है। चलो इसको एक बार मैकेनिज्म के थ्रू देख लेते हैं। प्रोडक्ट सेम बनेगी क्योंकि कंपाउंड सेम ही दे रखा है। आपको प्रोपीन दिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इस पर सबसे पहले हाइड्रोनियम आयन आएगा। हाइड्रोनियम आयन से दीज टू पाई इलेक्ट्रॉन्स विल एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे और ये आपका एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। देखो इस वाले कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए कहाँ, इस वाले कार्बन पर, एडजेसेंट कार्बन पर। क्यों? क्योंकि इसने प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट किया है, प्रोटोन को एक्सेप्ट किया है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन्स वो भी दूसरे वाले कार्बन पर चले गए, जिससे कि इस पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब 2 डिग्री कार्बोकेटायन पर आप वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करोगे, जिससे कि ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। और फर्दर ऑक्सीजन इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा, अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा और यहाँ से आपका H+ प्रोटॉन निकल जाएगा और ये आपका प्रोपेन 2-ओल बन जाएगा। तो देखो NCERT में इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 और जो आपको क्वेश्चन दे रखा है सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, दोनों सेम दिए हैं। एक और पोर्शन इन्होंने सेम दिया है। देखो NCERT का अगर आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट 1 देखोगे तो इसमें क्या दिया, प्रोपीन से प्रोपेन 2-ओल, और वही अभी हमने बनाया। तो 3 क्वेश्चन सेम दे रखे हैं। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया आपको कि आपको इथीन से इथेनॉल बनाना है और बोला है कि इसका मैकेनिज्म शो करो। तो ठीक है, अब जिस जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ऐसे ही आपको इसका आंसर करना है, मीनिंग आपको इसका मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप लिखना है। सबसे पहले इसकी एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं। इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब आप इसका हाइड्रेशन कराओगे तो देखिए ये दोनों सिमेट्रिकल कार्बन है, तो H किसी पर चला जाए और OH किसी भी कार्बन पर चला जाए इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो ये आपका बन गया इथेनॉल। नाउ वी विल सी द मैकेनिज्म। इन दिस मैकेनिज्म स्टेप 1 इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। वैसे ये पोर्शन आप कर चुके हो इसी वीडियो के अंदर, लेकिन एक बार फिर से ब्रीफिंग करा देती हूँ आप लोगों की। CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स H+ को एक्सेप्ट करेंगे, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपका CH3 CH2 पर पॉजिटिव चार्ज प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक कार्बन पर शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पर शिफ्ट होंगे, यहाँ से ये H+ को लेंगे, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। चलिए अब ये कार्बोकेटाइन बन गया है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो ये आपका कार्बोकेटाइन बना है इस पर वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा। क्यों? क्योंकि पानी पर कितने, पानी में जो ऑक्सीजन है उस पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है,
तो अपने लॉन पेयर से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन पर ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा। इन दिस स्ट्रक्चर ऑक्सीजन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज और इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब स्टेप थ्री में हमें केवल पॉजिटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करना है और वो कैसे होगा, जब आप एक प्रोटॉन का लॉस करोगे। तो नेक्स्ट स्टेप इज लॉस ऑफ प्रोटॉन। प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूल को एक बार फिर से लिख लेते हैं। और ये ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ से H प्लस आपका निकल जाएगा और इथेनॉल विल बी फॉर्म, ये आपका इथेनॉल बन जाता है। वैसे तो हम ये मैकेनिज्म कर चुके हैं प्रोपीन को लेकर, लेकिन क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है तो मैंने आपको बता दिया कि आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड ईथर पढ़ने वाले हैं।